एक दो तीन चार पांच छह, यानी कि छह वाटरमेलन को सर्दियों तक यानी कि आज से ठीक छह महीने बाद तक प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाबा कौन सी चीज इन्हें इतने लंबे समय तक प्रिजर्व रख पाती है, तो ये है पार्ट वन। पार्ट सेकंड भी आएगा छह महीने बाद, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप पार्ट सेकंड मिस ना कर पाओ। राइट, तो छह महीने बाद खाऊंगा इसे। गाइस यार मैंने तो सोचा था इतने तेल से काम हो जाएगा, लेकिन ये तो कम पड़ गया। कोई भाई, तेल का तो हो गया, दूसरी चीज ट्राई करते हैं। गाइस अब इसे पूरा जो है चावल से कवर कर देते हैं, अंदर सबमर्ज छह महीने के लिए। एक कॉफन जमीन के अंदर दफना रहे, आप देख सकते हैं कि याद रखना इस जगह पे गाड़ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तो भूल जाता हूँ कि यार किस जगह पे दफनाया था, कार के अंदर में भूल गया था। आप याद रखो यहाँ पे दफनाया हमने, छह महीने बाद मुझे बता देना अगर भूलू तो। चलो इसे दफनाते हैं, किसी को बताना मत कि यहाँ पे वाटरमेलन दफन है। चलो, I am mad, मैं हूँ पागल, क्योंकि अब हम करने वाले एक बहुत ही खतरनाक चीज। अब हम इस वाटरमेलन को कंक्रीट के अंदर, जी हाँ गाइस, सीमेंट बजरी के अंदर दफनाने वाले हैं। या मसाला बनाओ, मसाला कितने तगारी का है? ये दो तगारी का, दो ये काट लगाई जा रही है मसाले के अंदर। तो गाइस मसाला यहाँ पे कन्नी दो, कन्नी कारीगर अभी हम एक और पागलपंती करने वाले हैं। इस बार हम एक देसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पे घरों की दीवारें बनाई जाती है, चूल्हे बनाए जाते हैं, गोबर और का और चमन जब तक इसको मिलाता है, मिलाओ तब तक अपन क्या करते हैं, वाटरमेलन की मरम पट्टी कर लेते हैं। वाटरमेलन कल लाओगे क्या बाबू लोगो? वाटरमेलन लाओ यार। ऑलराइट गाइस, पांच वाटर लेके आए हैं, तो ये रहा वाटरमेलन, इसे डालते हैं इसके अंदर और इसे कवर कर देते हैं शहद से। गाइस ये बिल्कुल ओरिजिनल शहद है, ये देखो बिल्कुल रियल, इसके अंदर कोई दवाई वगैरह या फिर ऐसा। ज्यादा इस वजह से नहीं डूब रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी चीज का वजन रख के इसे डुबो देंगे, ठीक। कि इनमें से छह महीने तक कौन सी चीज टिक पाएगी, क्या चावल टिक पाएंगे या फिर ऑयल के अंदर हमारा तरबूज टिक पाएगा या फिर कंक्रीट के अंदर या फिर देसी जुगाड़ के अंदर या फिर शहद के अंदर या फिर वो अंडरग्राउंड वाला, कमेंट करके नीचे जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, अपनी क्या ओपिनियन है वो मुझे देना।